हमारा प्रॉब्लम वही है सर, हमारे पास क्यूआर कार्ड है, ग्रीन कार्ड है और ई श्रम कार्ड है, सब कुछ है, लेकिन हमारा जो यूनियन लीड जो लीडर है हमारा, हाँ, वो अभी तक लिंक नहीं किया सर। लिंक हमारा स्टेट का हम पहले आपको बता दें, हमारा जो इधर का है ना स्टेट में ओनली 40 मेंबर्स को लिंक हुआ है। 40 मेंबर्स का लिंक हो चुका है? हाँ हो चुका है, आज से 1.5 साल पहले उनको हुआ है। मैंने उसको देख लीजिएगा, वो वेबसाइट में खोल के देख लीजिएगा, एक्टिव दिखाएगा तब लिंक हुआ है। देखिए हुआ क्या है, त्रिपुरा हो या जितने सेवन सिस्टर्स हो जिसमें इंक्लूड है वेस्ट बंगाल, सेवन सिस्टर्स का और इंक्लूडेड वेस्ट बंगाल के जितने भी लीडर्स जो काम करते थे, अधिकांश लीडर्स को हटा दिया गया है यूनियन से, ठीक है? जिसकी वजह से बहुत लोगों का लिंक वहाँ के लोगों का नहीं हो पा रहा है। तो उसका सॉल्यूशन करने के लिए हम मुझसे जो है रिक्वेस्ट किया गया है कि आप सॉल्यूशन करने में थोड़ा मदद करिए। आसाम हो, मणिपुर हो, मिजोरम हो और जितने भी सेवन सिस्टर्स है, इंक्लूडेड वेस्ट बंगाल है, जो जहां तक काम हुआ है वहां तक वो पेंडिंग है, उससे आगे बढ़ नहीं रहा है। तो उसको बढ़ाने के लिए डॉक्टर रमन सर को एक तरह से समस्या सॉल्यूशन ऑफिसर मानिए, उसको एक तरह से इंचार्ज बनाया गया है कि इसमें जो है कोऑपरेट करें, जितने लोगों का लिंक नहीं हो रहा है उनको बुलाकर या जैसा भी हो सकता है उनका गैंग सूची बनाकर यूनियन में जमा करने में मदद करें। तो आप लोग जो है एक बार रमन सर से, सब लोग नहीं आए, कुछ लोग एक दो जन आ सकते हैं, त्रिपुरा से आए हैं लोग, नागालैंड से आए हैं लोग, तो अगर संभव हो तो आ सकते हैं, एक दो जन आइए, सभी का डाटा कलेक्ट कर लीजिए, अपने क्षेत्र के डाटा को कलेक्ट कर लीजिए, किसका किसका समस्या है, अपना नंबर हो अगर जरूरत पड़ेगा तो मैं वीडियो बना दूंगा, इस नंबर पे संपर्क करें इस एरिया के लोग और इमीडिएटली एक लीडर चुन के उस लीडर को जो है ऑफिस भेजिए और ऑफिस में उस डाटा को सबमिट करके गैंग लिस्ट बना के, जैसा कि जमा हो रहा है अभी है ना भारत सरकार के पास हम लोग का डाटा गैंग लिस्ट जमा हो रहा है, तो उस डाटा में आप लोगों का भी डाटा जमा हो जाएगा। तो सर वो जो हमारा जो लीडर है ना, इन्होंने बोला जो गैंग लिस्ट जमा कर दिया, लेकिन लिंक चीज नहीं हो पाएगा तो गैंग लिस्ट जमा हो सकता है क्या? इससे कोई फायदा नहीं होगा, बिना लिंक का गैंग लिस्ट इनवैलिड घोषित कर देंगे, वो दिखाने के लिए हो सकता है, क्योंकि होता क्या हम लोग का यूनियन के कुछ लीडर्स में थोड़ा गलत स्वभाव आ जाता है, गलत इमोरल एक्ट आ जाता है। एक बात बोले सर, मेरा पूरा लाइफ का पैसा सर उसने दबा दिया सर। हाँ बहुत लोग लुटाया है, अभी ना मैं मीडिया के थ्रू लोगों को जगा रहा हूँ, आप आ जाइए हमारे ऑफिस। किस जगह पे आना है, किधर आना है, नोट करिए वहाँ से देखिए, आपके त्रिपुरा से आ जाइएगा डिब्रूगढ़, ठीक है, डिब्रूगढ़ से डायरेक्ट वहाँ से होते हुए आइएगा सहरसा, बिहार में सहरसा रेलवे जंक्शन, हम लोग वहीं पर रहते हैं, सहरसा रेलवे जंक्शन, सहरसा रेलवे जंक्शन, सहरसा डिस्ट्रिक्ट में है सहरसा रेलवे जंक्शन, सहरसा बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है तो बहुत बड़ा एरिया है, तो सहरसा में रेलवे जंक्शन है वहाँ का, मतलब पहले डिब्रूगढ़ आना है। हाँ डिब्रूगढ़ आइएगा, वहाँ से सामने होगा त्रिपुरा से, मुझे लगता है डिब्रूगढ़ से बहुत लोग आए आज, कल 28 लोग आए हमारे पास, 28 लोग आए, लोगों का काम हो रहा है तो सबका काम होगा, खाली छुट्टी है मत, किसी तरह करके गैंग सूची बता के किसी के थ्रू जो है भेजना है, आपका लीडर कर देता है तो वेल एंड गुड, नहीं करता है तो कहीं तो भेजना पड़ेगा। हमारा लीडर का भी नाम बोल दो आपको, सुमित है, सुमित है, उसका धर्मनगर है। हाँ तो सेंट्रल लेवल का लीडर नहीं है वो, केवल ऐसे ही लीडर बन गया जिनल ना क्या पदाधिकारी है। अच्छा, और एक्चुअली हम लोग को जो डिटी में आता है ना, डिटी में होता था सर का दर गया था उधर, उसी का उन्हीं का टीम में से ना लोगों को हटाया गया, अभिषेक सर है ना, अभिषेक टीम से ही वहाँ बहुत गड़बड़ हुआ था जिसकी वजह से हटाया गया। क्या वो लोग यूनियन में जमा किया? नहीं किया, नहीं किया, वो लोग अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है, तो ये इस कारनामा से बचने का एक ही रास्ता है कि आप जो है इसकी शिकायत हमारे जो इंचार्ज बने हैं, जो जिनको भी इंचार्ज, कई लीडर हैं मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, जो अच्छे काम कर रहे हैं हमारे यूनियन को, डेडिकेटेड भाव से काम कर रहा है, उनको इंचार्ज बनाया गया है कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम वालों को आप लोग देखिए, ये इंस्ट्रक्शन मिला है हमारे राष्ट्रीय प्रभारी की तरफ से। तो लिंक करने के लिए हमको कुछ रुपए देना पड़ेगा? हाँ, कुछ चंदा पकड़े रहिएगा, क्योंकि वहाँ मैं एकदम मिनिमम पकड़े रहिएगा, कुछ भी पकड़े रहिएगा, खाली हाथ मत आइएगा, क्योंकि डोनेशन लेता ही, जितना आप सक्षम है उतना पकड़ के आइएगा,
जैसा ही लोग बोलेगा उतना दे दीजिएगा, अगर बोलेगा ज्यादा है इससे थोड़ा ज्यादा लगेगा तो बाद में देंगे बोलिएगा, व्हाट इज द प्रॉब्लम, हर चीज का समाधान है यार। ठीक है, आपको जचेगा हाँ इतना दिया जा सकता है तब करना, आगे बढ़ना है नहीं तो नहीं बढ़ना है, अपना विवेक से काम लेना है, विजडम का यूज करना है, वहाँ नॉलेज काम नहीं करता है। वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय BRMGSS।